यदि आप भी अपना प्राइवेट वीडियो और फोटो पर लॉक लगाना चाहते हैं, जैसा कि आपके घर में छोटा बच्चा है और वो आपके डेटा को ख़त्म कर दे रहा है, यदि आप चाहते हैं कि क्यों न मैं अपना प्राइवेट वीडियो और फोटो पर लॉक लगा दूँ, जैसा कि यदि आपका वीडियो और फोटो गर्लफ्रेंड का है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो मेरा फ़ोटो और वीडियो है फैमिली के सामने रिप्रेजेंट ना हो, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि उस फोटो और वीडियो पर क्यों न मैं लॉक लगा दूँ। तो आप सही वीडियो पर क्लिक कर चुके हैं, क्योंकि आज के मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ टेक्नो स्पार्क 6 गो में आप किसी भी एप्लीकेशन और किसी भी ऐप को सिंपली वन क्लिक में आप ऐप लगा सकते हैं और आप वन क्लिक में ऐप को रिमूव भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आप लोग के सामने लाइव करके बताऊँगा कि आप किसी भी ऐप को लॉक कैसे कर सकते हैं और आप किसी भी ऐप पर जो लॉक लगा है उसको आप रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए हमें अब चलना पड़ेगा इसके लिए हमको अपना मोबाइल पर। तो चलिए मैं आप लोग के सामने अपने मोबाइल पर चलता हूँ। तो सिंपली मोबाइल पर आने के बाद आपको एप्लीकेशन मेनू में आना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको जो फर्स्ट काम करना है, सर्च बार में आप सर्च करें फ़ोन मास्टर, आप सर्च करें तो जो आपका फ़ोन मास्टर है वो ओपन हो जाएगा। और आपको अब कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको नीचे की ओर स्क्रॉल कर देना है। तो आपके पास देखिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, तो आप सिंपली ऐप लॉक पर क्लिक करें। ऐप लॉक पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास आएगा ड्रा एंड अनलॉक पैटर्न, आपको जो पैटर्न है वहाँ पर आपको डालना है। तो अपना हिसाब से अपना पैटर्न बना लीजिए। तो देखिए मैंने बना लिया, उसके बाद जो आपका जो फर्स्ट में मैं पैटर्न बनाए थे वही पैटर्न को इस यहाँ पर एक बार और डालें, यानी कि कंफर्म करने के लिए वही पैटर्न को अपना यहाँ पर डालें। जैसे ही डालिएगा तो वहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस पर आ जाइएगा। तो वहाँ पर देखिए अब यहाँ पर दिया है कि व्हाट इज़ योर मिडिल नेम, तो अपना कोई भी एक नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम। नाम देने के बाद सिंपली आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आपका मोबाइल में जितना भी एप्लीकेशन है देखिए यहाँ पर शो करने लगा। तो फिलहाल मेरा अभी यहाँ पर कुछ कुछ एप्लीकेशन को मैंने लॉक लगा रखा हूँ। तो अभी देखिए मैं देख रहा हूँ कि मेरा कौन सा एप्लीकेशन पर लॉक नहीं है। तो देखिए मेरा यूट्यूब जो है इस पर मेरा लॉक नहीं है, तो मैं इस पर लॉक लगाता हूँ। तो लॉक लगाने के लिए सिंपल जो ट्रिक है, आपको सिंपली एक बार इस पर क्लिक करके छोड़ देना है तो इस पर लॉक लग जाएगा। इसका पहचान करने के लिए अगर आपका जो लॉक होने वाला है उस पर अगर हरा हो जाएगा तो आप समझ जाइए कि ये मेरा लॉक लग चुका है। अगर हरा नहीं है, अगर वाइट है, देखिए जो एक्स रिकॉर्डर है इस पर मेरा जो ताला है वाइट है, तो इस पर अभी मैं लॉक नहीं लगाया हूँ। तो आप समझ चुके होंगे कि लॉक लगाने कैसा लॉक लगा रहता है तो पता चल जाता है। तो अगर लॉक लगा है और हरा है तो आप समझ जाइए कि लॉक लगा है। तो चलिए मैं आप लोग के सामने लाइव दिखाता हूँ कि YouTube पर लॉक लगा है, लॉक लगा है कि नहीं लगा है। तो उसके लिए हमको अब बैक आना है। आप यहाँ से सिंपली बैक आइए, और बैक आने के बाद आप सिंपली YouTube को ओपन कीजिए। और देखिए मैं ओपन करता हूँ, तो देखिए आपके पास जो हम लोग लॉक लगाए थे यूट्यूब को, तो यहाँ पर आप यूट्यूब खोलने से पहले आपका जो भी पासवर्ड जो आप पैटर्न में फिल किए थे क्रिएट करते वक्त, उसी पैटर्न को आप यहाँ पर जैसे ही डालेंगे आपका जो यूट्यूब है वो ऑन हो जाएगा। तो देखिए मैं उस पैटर्न को डालता हूँ, और देखिए जब मैं जैसे ही डाल कर छोड़ूँगा जो मेरा यूट्यूब है वो अब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि लॉक लगाने से क्या फ़ायदा है। तो चलिए मैं आप लोग के सामने फिर जो मैं YouTube पर लॉक लगाया था मैं उस लॉक को कैसे रिमूव करता हूँ। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, आपको फिर से एप्लीकेशन मेनू में आना है, और आने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है फ़ोन
मास्टर आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपका फ़ोन मास्टर ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली आप नीचे की ओर स्क्रॉल करें तो देखिए यहाँ पर दिया है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, तो आप सिंपली ऐप लॉक पर क्लिक करें। और ऐप लॉक पर क्लिक कीजिएगा तो हम लोग जो ऐप बनाते वक्त लॉक जो बनाते वक्त हम लोग क्रिएट किए थे लॉक को, उसी लॉक को यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिल करेंगे पैटर्न को, उसी पैटर्न को हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो देखिए मैंने किया, तो देखिए आपके पास जितना भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन ओपन होकर आ गया। और अब हम लोग सिंपली क्या करना है, देखिए मैंने YouTube पर लॉक लगाया था और मैं चाहता हूँ कि YouTube पर लॉक अब रिमूव करूँ। तो रिमूव करने के लिए सिंपली आपको इस पर एक बार जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से हट जाएगा। और देखिए अब इसका जो आइकन है वाइट कलर का शो होने लगा। तो आप सिंपली समझ जाइए कि जो मेरा YouTube है इससे मैंने अपना लॉक को क्या किया है, हटा लिया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो आप सिंपली बैक आइए, और बैक आने के बाद आपको क्या करना है, बैक आने के बाद आपको सिंपली YouTube खोलना है। और जैसे ही आप YouTube खोलिएगा तो देखिए यहाँ पर जो लॉक का ऑप्शन है अब हम लोग के सामने नहीं शो कर रहा है, क्योंकि हम लोग अपना जो लॉक है उसको हम लोग रिमूव कर चुके हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि लॉक लगाने से क्या फ़ायदा है और लॉक नहीं लगाने से क्या फ़ायदा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।